है मरीना गुप्ता। देखिए आज मेरा किचन में क्या बन रहा है। शाम के समय जब भूख लगता है तो थोड़ा बहुत कुछ बना के खाने से वही हल्का नाश्ता बन रहा है। देखिए इसमें पनीर है एक टुकड़ा, थोड़ा सा 50 ग्राम, दो आलू है और दो प्याज है। दो आलू को बॉईल करके काट लिए हैं और प्याज है, दो प्याज कटा हुआ है, दो मिर्चा है कटा हुआ, और ये अंकुरित चना है, और ये मुड़ी है, और यहाँ पर तेल है, और पाव भाजी मसाला, हल्दी, नमक। चलिए कढ़ाई गर्म हो रहा है, अब इसको बनाते हैं। थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसमें आलू और पनीर को भून के निकाल लेंगे। इसको 1 मिनट भून लिए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, अब ये गर्म हो जाएगा तब इसमें मिर्चा और प्याज डालेंगे। देखिए गरम हो गया, अब इसको थोड़ा भून लेंगे। देखिए अब भून गया, इसको 1 मिनट भून लिए। अब थोड़ा सा इसमें हल्दी डालेंगे और ये पाव भाजी मसाला, हाफ चम्मच, और इसमें चना डाल देंगे। जितना नमक हमको डालना है इसमें डाल दे रहे हैं, हल्का नमक हम इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें ये मुड़ी डाल देते हैं। देखिए इसको हम 1 मिनट भून लिए हैं, अब ये पनीर का ये टुकड़ा है ना और आलू का, इसको डाल देते हैं। अब थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डाल देते हैं। थोड़ा धनिया पत्ता डाल देते हैं। देखिए ये तैयार हो गया, अब गैस बंद कर दे रहे हैं।
देखिए नाश्ता तैयार है और शाम के समय जब भूख लगता है तो क्या खाएं, तो इस तरह का नाश्ता बनाने से अच्छा रहता है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।